गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। गुरुनाम सिंह ने साफ तौर पर कहा कि गृह मंत्री अमित शाह किसानों की मांगे मानने के लिए तैयार नहीं है। अमित शाह ने किसानों को जो पत्र भेजा उसमें एमएसपी के कानून के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। भाजपा सरकार का मकसद प्राइवेट मंडी को खोलना है ताकि सरकारी मंडियां खत्म हो जाएं और प्राइवेट मंडियों को बढ़ावा मिले। आइए आपको सुनाते हैं गुरुनाम सिंह चढ़ूनी का बयान। देखिए, पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो राजनेता होते हैं बड़े शातिर होते हैं। अब अगर हम दोनों की बात करें, दुष्यंत चौटाला की और वीरेंद्र जी की, दोनों की बात करें, दोनों जो है वो किसान खानदान से है और इनके सर छोटू राम का एहसान हम नहीं दे सकते। चौधरी देवीलाल, उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इन्होंने उनके खून को भी कलंकित कर दिया। दुष्यंत चौटाला को जो वोट दिए थे, एंटी बीजेपी वोट दिए थे, लेकिन उन्होंने सारी वोट बेच दी, किसानों की पीठ में छुरा मारा और अपना उप मुख्यमंत्री की कुर्सी उसके बदले ले ली। और दूसरा वीरेंद्र जी हैं, वीरेंद्र जी का आप कह रहे हैं हम किसानों के पक्ष में हैं, लड़का एमपी है, अगर वो सच में किसानों के हितैषी हैं तो पहले तो उससे लड़के से रिजाइन करवाएं ना, एमपी से उससे रिजाइन करवा के आए तो, लेकिन चिपके बैठे हैं, कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इन्होंने जो है दोनों जो हमारे किसान नेता थे उनके खून को कलंकित, ये जो विधायक समर्थन कर रहे हैं अच्छा है, उनका धन्यवाद है, लेकिन छोड़ के आ जाना चाहिए हमारे बीच में। और दूसरा ये है कि हमने अनाउंस ये किया है कि जहां भी ये आए वहीं पे इनका विरोध करें, और बहुत अच्छा हो भी रहा है। अंबाड़े में इनको भगाया गया है, कल कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम था वहाँ से ये भागे हैं, चीका से भागे हैं, कुचाने से भागे हैं, कई जगह पे जो है रोष प्रदर्शन के खिलाफ हुए हैं और इनको जनता जो है वो एक तरह से सबक सिखा रही। हाँ, हमने तीन लोगों का कहा है, अंबानी का, अडानी का और बाबा रामदेव का, क्योंकि बाबा रामदेव भी पहले हमारे बने फिर हमें लूटा, तो इसलिए इन तीनों का जो है जो इनके प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार करें, लेकिन जबरदस्ती नहीं। ये नहीं कि किसी के दुकान का ताला लगा दिया हमने, किसी के पेट्रोल पंप का ताला लगा दिया हमने, वो हम लोगों को समझाएं, एक जन भावना उनके अंदर पैदा करें कि जो हमें लूट रहा है उसका हम कोई सहयोग ना करें। देखिए, सरकार भी यही सोच रही है कि आंदोलन में किसी ना किसी आंदोलन का लंबा खींच दिया जाए और उसमें किसी ना किसी तरह की गलती हो जाए, और वो जो गलती हो उससे फिर आंदोलन को बदनाम कर दिया जाए, जैसे जाट आंदोलन को बदनाम कर दिया था। लेकिन इस आंदोलन पे परमात्मा की असीम कृपा है और ये उसकी एक रहमत है कि अभी तक कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। अभी तक तो जो किसान हैं वो तो 35-40 किसान मर चुके हैं आंदोलन में। एक बड़े पहुंचे हुए संत बाबा राम सिंह जी, वो भी ये कह के शहीदी दे गए हैं कि मेरे से किसानों का दुख देखा नहीं जाता, और औरतें बच्चे सड़क पे पड़े हुए हैं, कोई अपना मेडल वापिस कर रहा है, कोई नौकरी छोड़ के इस आंदोलन की आवाज़ उठा रहा है, मैं अपनी जान दे के इस आंदोलन की आवाज़ उठाता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी जो देश के हाकम हैं, मोदी जी हैं या बीजेपी सरकार है, उनकी आत्मा नहीं जाती। हमने सबसे ये बेनती की है, ये एक तरह से अनाउंस किया है कि हरियाणा के अंदर चुनाव है, अभी म्यूनिसिपल के हो रहे हैं और कुछ दिन बाद पंचायतों के भी होंगे। जो भाई इस आंदोलन का समर्थन ना करे, ये धर्म युद्ध है, देश को बचाने का युद्ध है, इस धर्म युद्ध में वो जो समाज के साथ ना खड़े, जो इसका समर्थन ना करे, उसको वोट नहीं डालने, बाकी जिसको मर्जी डाल दें। देखिए, विपक्ष का हम उनको स्टेज पे नहीं चढ़ने दें, वो समर्थन करने के लिए आते हैं, लेकिन सरकार को ये कहने का मौका ना मिले कि ये आंदोलन विपक्ष करवा रहा है, कह तो फिर भी रहे हैं हम, लेकिन हम उनको स्टेज पे नहीं चढ़ने दे रहे, और अपनी मर्जी से वो जो करते हैं वो कर रहे हैं, तो उसमें ये नहीं है कि हम उनसे किसी तरह की हेल्प ले लें, जो कोई उनसे कोई फंड हम ले रहे हों या कोई ऐसा कर रहे हों, ऐसी किसी तरह की वो हमारी मदद नहीं कर रहे, ना ही हम उनसे ले रहे। देखिए, हमने कब कहा कि फसल के साथ वो जमीन भी लेते हैं? हमने तो कभी नहीं कहा। लेकिन मोदी जी, लेकिन जिस कानून की वो बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, उसके साथ ये हुआ कि एक किसान ने हल्दी का सौदा किया और हल्दी बाजार में सस्ती हो गई तो वो छोड़ के भाग गया, और अगर हल्दी बाजार में महंगी हो जाती तो हम देने के लिए मजबूर हैं, ये उसमें कमी है। यानी दोनों तरफ जो है वो कॉन्ट्रैक्टर का फायदा है
अगर फसल का भाव ज्यादा आ गया तो हमारी मजबूरी है, हमें उसी रेट पे देना पड़ेगा, और अगर बाजार में भाव कम आ गया तो हमारी फसल की क्वालिटी डाउन दिखा के, ये अधिकार उसके पास है, हमारी फसल की क्वालिटी डाउन दिखा के उसको छोड़ देगा और हम दोनों तरफ हमें करते हैं। तो बता दें कि अमित शाह जी कुछ मानने को तैयार नहीं है, उन्होंने जो लेटर भेजा है उसमें कहा ये काम स्टेट सरकार देखेगी, वो काम स्टेट सरकार देखेगी, उन्होंने उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, और जो जमाखोरी का कानून है उसको तो छुआ तक नहीं है, और जो मंडी का कानून है उसमें भी उन्होंने कोई खास बात नहीं की, उन्होंने केवल ये कहा हम इसमें भी थोड़ा टैक्स लगा देंगे, लेकिन ये नहीं माना कि प्राइवेट मंडी नहीं खोलेंगे। आप देखिए सरकारी स्कूल के बराबर में प्राइवेट स्कूल खोला तो सरकारी स्कूल ख़त्म, सरकारी अस्पताल के बराबर में प्राइवेट अस्पताल खोला तो सरकारी अस्पताल ख़त्म, उन्होंने BSNL के बराबर में दूसरी कंपनियाँ खोली, BSNL ख़त्म, अब मंडी के बराबर में प्राइवेट मंडी खोलेंगे तो मंडी ख़त्म। और दूसरा मैं बता देना चाहूँ कि वो ये कह रहे हैं हम MSP देंगे, जो सबको पूरे देश को भ्रमित कर रहे हैं, MSP देना और चीज़ है, MSP में खरीदना और चीज़ है, देने का मतलब है MSP तय करना, MSP तय करना वो कर रहे हैं, वो करेंगे भी आगे, लेकिन जहाँ तक खरीदने का सवाल है, मैंने उनसे सवाल किया कि अमित शाह जी आप ये बताइए, आप तेई फसलों का MSP तय करते हो, क्या आप तेई फसलें जितनी देश में पैदा होती हैं उनको MSP पे खरीदोगे? तो उनका क्वेश्चन था नहीं खरीद सकते, किसी हालत नहीं खरीद सकते, अमित शाह जी का खुद का बयान है, और मैं आप मीडिया के माध्यम से आज फिर मैं मोदी जी से सवाल करता हूँ कि अगर वो खरीदने के लिए तैयार हैं वो स्पष्ट करें देश के सामने अपने हालात, नहीं खरीद सकते तो देश को बताएं कि हम नहीं खरीद सकते, क्यों नहीं खरीद सकते ये भी बताएं, कितने % खरीद रहे हैं वो ये भी बताएं, और अगर वो सारी खरीदने के लिए तैयार हैं तो उनको बयान देना चाहिए कि जितनी देश के अंदर पैदा होगी हम सारी खरीदेंगे, साफ करनी चाहिए, देश को गुमराह ना करें, देश को गुमराह करने से जो दूसरे लोग हैं उनको ये नज़र आ रहा है कि पता नहीं किसान अपनी जगह पे गलत हैं, हमें कोई राजनीति नहीं चाहिए, हमें कोई स्वार्थ नहीं चाहिए, हम तो देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और देश मोदी जो है वो देश को बेचने के लिए लड़ रहे हैं।